चनु साइखोम मीराबाई 4 फीट 9 इंच लंबी है और एक चैंपियन वेटलिफ्टर है। वह मणिपुर के इम्फाल ज़िले के नोंगपोक काकचिंग गांव की रहने वाली है। वह एक ऐसे परिवार से है जिसका खेलों में कोई बैकग्राउंड नहीं है। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे जबकि माँ सड़कों पर समोसे बेचती थी। वह चैंपियन कैसे बनी मैं बताता हूँ। चन्नू की प्रतिभा को एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टर और कोच एंगोम अनीता चन्नू ने पहले ही पहचान लिया था और फिर वह मणिपुर में खेल एकेडमी में प्रशिक्षण के लिए गई। उन्होंने कम उम्र से प्रशिक्षण लिया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और अन्य चैंपियनशिप में कई पदक जीते। चनु ने जापान 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया जो महामारी के कारण 2021 में आयोजित किए गए थे। उन्होंने खेलों में भाग लिया और रजत पदक हासिल किया। किसी भी भारतीय पुरुष या महिला ने कभी भी ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग में पदक हासिल नहीं किया है। रजत पदक जीतकर चन्नू ने इतिहास रचा। क्या उपलब्धि है। भारत लौटने पर सरकार ने उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की नौकरी दी। वह उत्साहित हुई। उन्होंने अब कार्यभार संभाल लिया है और कहा है कि वह इस पद से बहुत खुश है और सम्मानित महसूस करती है। कई ट्वीट के जरिए उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को उनके समर्थन के लिए और उन्हें एएसपी के पद देने के लिए आभार व्यक्त किया। चनु ने बीरेन सिंह से मुलाकात भी की। बैठक के बाद सिंह ने चनु को हमारे देश का गौरव बताया। हमें उम्मीद है कि कर्णबधिर उसकी कड़ी मेहनत से प्रेरित होंगे और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करेंगे। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि कर्णबधिर शतरंज खिलाड़ी मल्लिका हांडा और कर्णबधिर पहलवान वीरेंद्र सिंह को सरकार द्वारा नौकरी दी जाएगी।